अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एडीपी पार्ट टू कंप्यूटर स्टडीज़ का सिलेबस पंजाब यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग। तो पेपर होता है टोटल 100 मार्क्स का, जिसमें दो बुक्स होती हैं प्लस प्रैक्टिकल होते हैं। अब जो दो बुक्स होती हैं उनमें 70 मार्क्स का टोटल होता है कोर्स और 30 मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल के। 70 मार्क्स की डिवीजन इस तरह की जाती है कि एक बुक 35 और सेकेंड बुक भी 35 मार्क्स की होती है। अब वो जो 35 मार्क्स होते हैं उसमें दो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और 10 मार्क्स के एमसीक्यूज होते हैं। जो दो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं वो 12.5 ईच के मार्क्स होते हैं। देन हमारे पास टोटल एक बुक के 35। इसी तरह जो सेकंड बुक होती है उसमें भी दो लॉन्ग क्वेश्चन एंड 10 एमसीक्यूज के मार्क्स होते हैं। 70 मार्क्स ये हो गए। 30 मार्क्स जो प्रैक्टिकल के होते हैं उसमें दोनों बुक्स के 15, उसमें वाइवा भी आ जाता है, उसमें जो प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है प्लस जो आंसर शीट पे रिटन फॉर्म में होता है वो मिला के 30 मार्क्स होते हैं दोनों बुक्स के प्रैक्टिकल के। और प्रैक्टिकल इसका एक ही दिन होता है और बुक का पेपर भी एक ही दिन होता है। अगर हम इसके कोर्स को डिस्कस कर लें तो बुक्स इसमें पढ़ाई जाती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन। ये दो बुक्स होती हैं जिसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फुली डिस्कस किया जाता है और एक में डेटाबेस से रिलेटेड जो होती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। थ्योरेटिकल पार्ट देखें अगर हम इसकी कोर्स आउटलाइन का, सबसे पहले है इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस प्रोसेसिंग, रिलेशनशिप ऑफ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स एंड द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम, हिस्ट्री ऑफ डेटाबेस प्रोसेसिंग, डेटाबेस डेवलपमेंट, डेटाबेस एंड DBMS, क्रिएटिंग अ डेटाबेस, कंपोनेंट्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस, डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडलिंग, सीमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, रिलेशनल मॉडल एंड नॉर्मलाइजेशन फ्रॉम 1 to 5th नॉर्मल फॉर्म, डोमेन की नॉर्मल फॉर्म, सिंथेसिस ऑफ रिलेशन, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज, आइट्रेशन, डेटाबेस डिज़ाइन यूजिंग एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल्स इनटू रिलेशनल डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन विद सीमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, डेटाबेस डिज़ाइन विद सीमेंटिक ऑब्जेक्ट मॉडल, डेटाबेस एप्लीकेशन डिज़ाइन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटाबेस एप्लीकेशंस, फॉर्म डिज़ाइन, रिपोर्ट डिज़ाइन, एप्लीकेशन प्रोग्राम डिज़ाइन, फाउंडेशन ऑफ रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन, डिफाइनिंग रिलेशनल डेटा, रिलेशनल डेटा मैनिपुलेशंस, स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज, क्यूरिंग अ सिंगल टेबल, क्यूरिंग मल्टीपल टेबल्स, एग्जिस्ट एंड नॉट एग्जिस्ट, चेंजिंग डेटा, रिलेशनल इम्प्लीमेंटेशन फॉर पर्सनल डेटाबेस, क्रिएटिंग द डेटाबेस स्कीमा, क्रिएटिंग फॉर्म्स, क्रिएटिंग रिपोर्ट्स, क्लाइंट सर्वर डेटाबेस सिस्टम्स, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी, ओपन डेटाबेस कनेक्टिविटी, ODBC स्टैंडर्ड्स, एप्लीकेशन ऑफ ODBC इन क्लाइंट सर्वर सिस्टम्स। और इसके लिए जो रिकमेंडेड बुक्स हैं वो डिफरेंट यहाँ पे मेंशन हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रेफर की जाती है, मोस्टली YT सीरीज़ की प्रेफर करते हैं हम। देन आता है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड नेटवर्क्स। इसका भी पेपर 35 मार्क्स का होता है, जिसमें 25 मार्क्स के दो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और 10 मार्क्स के MCQs होते हैं। अब इसके अगर कोर्स आउटलाइन को देखें, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम्स, टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम मोड्स, प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस स्केजलिंग, प्रोसेस स्टेट्स, स्केजलिंग क्राइटेरिया, प्रोसेस सुपरवाइजर कॉल्स, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, डेडलॉक, डेडलॉक प्रेजेंटेशन, डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन रिकवरी फ्रॉम मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है सिंपल एब्सोल्यूट पार्टीशन, सिंगल रिलोकेटेबल पार्टीशन, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी पार्टीशंस, सिंपल पेजिंग, सिंपल सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन विद पेजिंग, पेज एंड सेगमेंट टेबल, स्वैपिंग, ओवरलेइंग। देन वर्चुअल मेमोरी का चैप्टर है, उसमें वर्चुअल मेमोरी में आ जाता है डिमांड पेजिंग, सेगमेंटेशन, फिर फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, उसमें डायरेक्टरीज हैं एंड नेम्स हैं, टाइप्स ऑफ फाइल सिस्टम ऑब्जेक्ट्स, फाइल सिस्टम फंक्शंस, इंफॉर्मेशन टाइप्स, फाइल सिस्टम आर्किटेक्चर। देन डिवाइस मैनेजमेंट है, इसमें आता है हार्डवेयर आई ऑर्गेनाइजेशन, सॉफ्टवेयर ऑर्गेनाइजेशन, डिवाइसेस हैं। देन सिक्योरिटी से रिलेटेड है,
ऑथेंटिकेशन आता है, इसमें प्रिवेंशन है, डिटेक्शन है, करेक्शन है, आइडेंटिफिकेशन है, थ्रेट कैटेगरीज हैं, प्रोग्राम थ्रेट्स हैं। देन लास्ट चैप्टर 13 है नेटवर्किंग से रिलेटेड, उसमें आता है नेटवर्किंग बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लाइन कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजीज, ट्रांसमिशन मोड्स, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क, इंटर नेटवर्क, द OSI मॉडल, लेयर्ड आर्किटेक्चर, फंक्शंस ऑफ द लेयर्स, TCP IP प्रोटोकॉल सुइट, ट्रांसमिशन मीडिया, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल एंड फाइबर ऑप्टिक केबल। इसमें भी डिफरेंट जो है रिकमेंडेड बुक्स यहाँ पे मेंशन हैं। देन अगर हम इसका प्रैक्टिकल पोर्शन डिस्कस करें तो प्रैक्टिकल पोर्शन होता है 30 मार्क्स का, जिसमें 15 मार्क्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के और 15 मार्क्स होते हैं DBMS के। इसमें जो है वो प्रैक्टिकली जो परफॉर्म किया जाता है 10 मार्क्स उसके होते हैं और 5 मार्क्स वाइवा के होते हैं। इसके ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल में आ जाता है कंट्रोल पैनल कम्प्लीट होता है और जो डेस्कटॉप से रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं वो होता है। और अगर इसका हम देखें MS Access का पोर्शन DBMS का, तो वहाँ पे SQL आ जाता है, MS Access आ जाता है, टेबल्स, फॉर्म्स, क्यूरीज, रिपोर्ट्स वगैरह। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टेक एंड CS डिपार्टमेंट। और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया जाएगा।